ये जो पदक आपके पास है, इसको हासिल करने के लिए जी जान की मेहनत लगती है, प्लानिंग लगती है, सेक्रीफाइस लगते हैं। जर्मनी से जब हम हारे सेमीफाइनल में, उस रात नींद आई? ऐसे बहुत सारे दिन देखे हमने जब नींद नहीं आती। वो टफ था, मन में मेरे ये चल रहा था कि सिंपैथी नहीं लेके जानी हमने कि हमने बहुत अच्छा किया। हर एक प्लेयर बोल रहा था ड्यूरिंग द मैच, बोल रहा था कि यार सर पे लग रही है, लगने दो, कहीं पे भी लग रही लगने दो, भाई टीम में बाहर नहीं आनी चाहिए। एक आपकी फोटो देखी थी मैंने हरमन, के आपकी बेटी रूहान जीत के गले मेडल आपने पकड़ाया हुआ है। मेडल के बाद मैं रूहानत को उठाया, मैं ग्राउंड में ले गया, मैं वहाँ पे छोड़ दिया, और मेरे आंखों में पानी भी था कि हाँ ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जब ये बड़ी होगी तो इसको पता चलेगा। 2020 टोक्यो ओलंपिक में जब हॉकी में कांस्य पदक आया तो भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल का सूखा समाप्त किया था, और उसके बाद 2024 पेरिस ओलंपिक में अपने उस दबदबे को कायम रखा, और उस जीत में सरपंच साहब की टीम ने कमाल कर दिया, स्पेन को हराकर कांस्य पदक बरकरार रखा। सरपंच साहब, जी हां आप जान ही गए होंगे, सरपंच साहब किसी गांव के नहीं, पूरी भारत हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह जो हमारे साथ मौजूद हैं खास तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है हरमन जी आपका। थैंक यू सर। सरपंच साहब कहूं या हरमन कहूं? सरपंच, जो जो आपका दिल करे वो कहे आप। कैसा लगा जब आपको सरपंच साहब कहते हैं? कहीं सरपंच तो मुझे लगता है शायद लगाओगे यार कि सरपंच इन्हें कह रहे तो हमारी सरपंची खतरे में तो नहीं आ गई। हाँ जी, मैं भी सोच रहा था। पर एक्चुअली ड्यूरिंग टूर्नामेंट हमने सोशल मीडिया पूरा अवॉइड किया था कि हम यूज नहीं कर रहे थे जी। पर उसके बाद मेरे को भी पता चला गया, ओके ये नाम दिया गया है। आपको कब पता चला? मैच के बाद, फाइनल यानी कि जब ब्रॉन्ज मेडल। जी 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 जी। अच्छा, देखिए सरपंच साहब को बाद में पता चला। खैर, आपने मुझे थकावट आपकी दिख रही है, आपको फोन कॉल्स बहुत आ रहे हैं, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हरमन आपका। शुक्रिया भाजी। तो सवालों का सिलसिला मैं शुरू करूंगा हरमन। ये जो पदक आपके पास है, इसको हासिल करने के लिए जी जान की मेहनत लगती है, प्लानिंग लगती है, सेक्रीफाइस लगते हैं। भारतीय हॉकी का मैंने जिक्र किया कि 2020 में 41 साल का सूखा समाप्त किया, तब आप उस टीम का हिस्सा थे। 2024 में आप उस टीम के कप्तान थे, सरपंच थे। मैं शुरुआत करूंगा जब आप पेरिस गए, पहला मैच, पहले मैच की पहली मीटिंग, याद आपको अच्छी तरह होगी। जी बिल्कुल, उससे पहले आई थिंक हमारा टूर था हॉलैंड का जी, एंड हम काफ़ी पहले चले गए थे यूरोप, तो मीटिंग्स पहले से शुरू थी, सभी टीम को लेके उनकी नॉलेज ली जा रही थी कि क्या करती हैं वो। बट हर मैच के पहले मीटिंग्स होती हैं हमारी, इंडिविजुअल्स मीटिंग है, लाइंस मीटिंग जिसको बोल देते हैं कि डिफेंडर, मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड्स। तो बिल्कुल मेन हमारा ये फोकस था इस टूर्नामेंट में कि हम मैच बाय मैच जाएंगे, मैच बाय मैच फोकस रखेंगे अपना, और इतने बड़े टूर्नामेंट का पहला मैच बहुत क्रूशल होता है कि आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, टीम का कॉन्फिडेंस ऊपर होना चाहिए। तो ये सारी बातें हो रही थी, और आई थिंक जो हम खेलते आ रहे थे, टीम का परफॉर्म बहुत अच्छा चल रहा था, जो हमारा स्ट्रक्चर है हम उस पर बिलीव कर रहे थे, जो कोच बता रहा था उसको फॉलो कर रहे थे, तो मेनली यही था मीटिंग्स में। एक हमेशा जब भी रणनीति होती है, टीम एक दूसरे की वीडियोग्राफी करती हैं, एनालिसिस करती हैं, ये प्रोसेस चलता है। इस टूर्नामेंट में, इस ओलंपिक में आपका कोई थीम था या एक नारा होता है, कुछ ऐसा था? जी नारा हम बात भी करते थे कि हम तिरंगे के लिए खेल रहे हैं, इंडिया के फ्लैग के लिए खेल रहे हैं, तो तिरंगा होता है, जैसे यूजली मैच से पहले अपनी प्रेयर होती है, काउंटिंग पे हम इंडिया बोलते हैं, और हर मैच के पहले, तो वो चीज़ हमें बूस्ट करती है। एंड सबसे बड़ा तो आई थिंक जब नेशनल एंथम चलता है आपका, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, और इतना लोग आपको प्राउड देख रहा है, वो रोंगटे खड़े कर। बिल्कुल सर, तो वो एक बहुत खुद के लिए बहुत प्राउड की मोमेंट होती है। अच्छा हरमन, जब इस हम टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, पहला मैच, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े गए, टर्निंग पॉइंट आप कौन सा मैच मानते हैं इस ओलंपिक का, जहां से मोमेंटम एकदम लगा के बढ़ गया? आई थिंक सारे मैचेस हमने बहुत अच्छे खेले हैं, बट स्पेशली वो क्वार्टर फाइनल, क्योंकि टीम परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही थी, एंड पर उस दिन जो हमने कर दिया एज ए टीम, वो एक हिस्ट्री है हमारे लिए। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं क्वार्टर फाइनल का। बिल्कुल, जैसे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल, 52 साल बाद आपने जीता। जी, क्योंकि हमेशा जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच आता है तो लोगों की नजर में हम अंडरडॉग हैं, तो लोग ऐसे देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, क्या होगा फिर से, अगर ऐसा कुछ तो हो ना जाए वो,
बट हमें बिलीव था क्योंकि उसके लिए हमने बहुत हार्ड वर्क किया है, और हम सोच के भी गए थे कि, क्योंकि उससे पहले 5 सीरीज थी हमारी ऑस्ट्रेलिया में और हम एक बिल्कुल मैच भी नहीं जीते थे, तो वहाँ पे यार जब वापस आए तो बहुत कुछ सुनने को मिला। बट वो एक हमारा पीरियड ऐसा चल रहा था कि हमने काफ़ी सारे प्लेयर थे हमारे साथ, 28 प्लेयर कैरी कर रहे थे, डिफरेंट प्लेयर खेल रहे थे हर मैच, कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा क्योंकि ओलंपिक से पहले एक सिलेक्शन का माहौल होता है, था। तो आई थिंक वो चीज़ें सब चल रही थी। बट हमने डिसाइड, हम लेके गए थे कि एक बड़े टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, अच्छा सोचा सोचा था, सोचा था, ऑनेस्टली सोचा था। तो हमने जब वो किया तो वो हमारे लिए वो भी बहुत प्राउडिंग मोमेंट मतलब एक अंदर था कि ऑस्ट्रेलिया को इस बार हराना ओलंपिक में। जी। और बहुत अच्छा मैच रहा है वो, और बिल्कुल वो भी आप बोल सकते हैं, बट स्पेशली आई थिंक जो जो हम नेचुरली क्वार्टर फाइनल खेले हैं। से आप आगे बढ़े तभी बिल्कुल सेमीफाइनल के। जी। हरमन, जैसे आपने कहा कि हम अक्सर देखते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में, इतने साल मुझे भी बड़ा कवर करते हुए, सोशल मीडिया से आप लोग दूरी बना लेते हैं, ये दूरी कब से बनी थी? थ्रू आउट मैच आप सिर्फ फैमिली से बात करते थे या कुछ पॉजिटिव चीजें देखते थे, या टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती थी कि सिर्फ ये फोकस रखना है, कोई न्यूज नहीं, कोई गैजेट नहीं यूज करेगा? जी आई थिंक जब विलेज में हम एंटर हुए हैं वहाँ पे, हम आई थिंक 1 वीक था हमारे पास, और उसमें 2 से 3 दिन हमने डिसाइड किया था कि आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, आपने अगर कोई पोस्ट करनी है, ये फर्स्ट टाइम जा रहा है, या कोई पिक्चर डालनी है, अपने अपने भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा पर उसके बाद 2-3 दिन के बाद हमने डिसाइड किया एज ए टीम और एज ए स्टाफ कि हम कोई यूज़ नहीं करेंगे, फोन बैग में। नहीं बैग में नहीं, बट क्योंकि टीम ऐसी गेम है, अगर टीम का कोई भी डिसीजन लेते हैं जो टीम के लिए बेनिफिट है तो उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक ट्रस्ट है हमारी टीम में कि हम अवॉइड करेंगे, तो आई थिंक हमने बहुत बखूबी भी निभाया उस चीज़ को। तो जैसे फैमिली के, आपकी फैमिली भी साथ थी और यहाँ पेरेंट्स से आप बात करते, तब थोड़ा अलाउ होता था आपको? नहीं बिल्कुल, पेरेंट्स के साथ बिल्कुल सर उनसे बात करनी होती है, बट उनसे भी ज़्यादा नहीं, अच्छा क्योंकि ये सारी जब कन्वर्सेशन हम करते हैं, हम कोई डिसाइड करते हैं तो सब कुछ बीच में सब आता कुछ है, तो बिल्कुल फैमिली भी सबका हम बोलते हैं, क्योंकि इनके इमोशनल अलग होते हैं, तो हम सोचा था, हमने बात की ये की थी कि हम सब कुछ ज़्यादा अवॉइड करेंगे, फैमिली से बात करो बट लिमिट में, और सभी ने उसका पालना भी किया। पालना किया सर। तो ये चेक भी रखते थे कोई कि हाँ भाई कोई ऐसा कर तो नहीं रहा, नहीं सर आई थिंक अगर ये एक ट्रस्ट है सभी का। ट्रस्ट है, जासूसी करेंगे तो बहुत सारे पकड़े भी जा सकते थे, बट आई थिंक हम बिलीव करते हैं कि जो म्यूचुअल हमारा था डिसीजन था ये, और उसने सबने रिस्पेक्ट किया उस चीज़ की। सभी ने रिस्पेक्ट की, बिल्कुल। अगर आपकी मैं जिंदगी की बात करूं, टिमोवाल गांव का एक लड़का, 15 की उम्र में आपने हॉकी स्टिक एकेडमी चले गए, पिता ने कहा कि ट्रैक्टर है, आप चलाते भी थे ट्रैक्टर, खेती की। उसके बाद जब आप जूनियर टीम से सीनियर टीम में आए, 2016 रियो ओलंपिक आपने खेला, वो अच्छा नहीं रहा, आप टीम से बाहर हो गए। नहीं सर, मतलब ड्रॉप एक होता है कि अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आप आए क्वेश्चन वापस। क्वेश्चन कंप्लीट करिए, मैं आपको। हाँ, 16 का पीरियड अच्छा नहीं था बेसिकली, उसके बाद आपने फिर वापसी की। तो जब एक ऐसा पीरियड आता है कि कोच को बहुत उम्मीदें प्लेयर से होती हैं और प्लेयर परफॉर्मेंस अपनी तरफ से कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाती, कहते ना कि अप एंड डाउन खेल का हिस्सा है, वो हरमन ने कैसे पार किया? देखिए फैमिली मेरी फार्मर है, मेरे फादर सभी फार्मिंग करते हैं, और जब नई हॉकी खेलते थे उनके साथ हमेशा हमने सारा काम किया हुआ है, और खेतों में जाना काम करना दोनों भाइयों ने तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मेरी। और जूनियर में जो आपने बोला, आई थिंक जो 16 की ओलंपिक से पहले एक हमारी चैंपियंस ट्रॉफी होती है, और मेरा डेब्यू उधर भुवनेश्वर में हुआ था 2015 में, और उस समय मैं जूनियर टीम के साथ था, जी और वहाँ से मेरे को बुलाया गया था, मेरे को चांस मिला, मैंने परफॉर्म किया ओलंपिक के बाद, मैं जूनियर टीम में मेरे को जाना पड़ा क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप था जी जूनियर वर्ल्ड कप था जी, बिल्कुल, उसलिए मेरे को वापस जाना पड़ा, और वर्ल्ड कप के बाद मैं डायरेक्ट फिर भी टीम में था, फिर टीम मतलब कि में। ड्रॉप नहीं था एक्चुअली, मेरे को वर्ल्ड कप खेलना था जूनियर, और हम जीते भी उस 2016 में वर्ल्ड कप जीते हैं। बिल्कुल। और दुनिया के जाने माने ड्रैग फ्लिकर, और मैं जुगराज का भी जिक्र करता हूँ जो, और आप तो खैर एक जानते, इतने सालों से आपके पंजाब के हैं, ये कहलाना कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर आप हैं, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट आप हैं, टीम में ये वो जगह है जहां मुकाम बनाना बहुत मुश्किल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके ऊपर आई सीनियर टीम में कि आपको ये चीज करनी है, कोचेज ने आपसे बात की, आपने अपना रोल सेट किया, और ओलंपिक्स आपको पता था कि 2020 भी आ रहा है, आगे भी खेलना है, तो हरमन ने अपनी जर्नी को किस तरह से आगे सेट किया कि मुझे ड्रैग फ्लिकर दुनिया का सबसे बेहतरीन? तो आपका नाम हो गया क्योंकि आप कि जब ड्रैग स्पीड देखी तो मैनेजमेंट टीम को लगा कि हाँ ये वो हमारा तुरप का एक है, एक उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर भी फील हुआ कि नहीं यार मेरे पर इतनी दुनिया की नजरें हैं।
सर मैं कोई चीज़ प्रेशर की मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ प्रेशर के बारे में, क्योंकि जितना आप हार्डवर्क करोगे अपनी चीज़ को लेके जिसमें आप अच्छा बनना चाहते हो, तो एक मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे लेता हूँ। एंड ड्रैग फ्लिकिंग स्पेशली क्योंकि जब ट्रेनिंग भी होती है तो हमारे सेपरेट सेशन होते हैं उसमें भी, बिल्कुल तो अगर आप वीक में बात करो तो 3 से 4 सेशन हमारे अलग होते हैं खुद के, तो एक दिन में काउंट ही नहीं होती है कि कितनी ड्रैग कर रहे कितनी हो ड्राइव कर रहे आप, हैं, और बिल्कुल वीक में आप देख लीजिए। तो मेहनत बहुत है इसमें क्योंकि सारी बॉडी की पावर एंड स्पेशली बैक आपकी बहुत स्ट्रांग चाहिए बिल्कुल तो कभी कभी डिफिकल्ट होता है क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना और हैवी बॉल के साथ प्रैक्टिस करना, जिम में अलग प्रैक्टिस करना ड्रैग की जो जिसमें आपकी स्ट्रेंथ को आपकी नीड है, तो बिल्कुल बहुत सारी मेहनत की है इस चीज़ को लेके। एंड ऑफकोर्स जुगराज पाजी, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है मेरा, मेरे बड़े भाई जैसे, तो आई थिंक वो हमारे कोच आए थे जब, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है मेरी थ्रू आउट द जर्नी मेरी जब वो कोच थे। बट उनसे एक अलग रिश्ता है, मतलब फैमिली रिश्ता है उनके साथ, और बड़े भाई हैं मेरे। जो आम दर्शक देख रहे हैं हरमन, मैंने इसलिए जिक्र किया ड्रैग फ्लिक का कि लोगों को लगता है कि हॉकी खेल रहे हैं, पास दिया आपने पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर दिया। ये मैं आम दर्शक के लिए भी जानना चाहता हूं कि जो ड्रैग फ्लिक की प्रैक्टिस है बहुत अलग होती है। कितने लगा दिए होंगे आज तक कोई काउंटिंग नहीं। स्पेशल उसके लिए एक पावर चाहिए होती है, बैक का आपने जिक्र किया, शोल्डर पावर, स्ट्रेंथनिंग। थोड़ा बताइए जरूर कि क्या अलग से करना पड़ता है, कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, स्ट्रेंथनिंग कितनी जरूरत होती है। बिल्कुल, अगर ग्राउंड की बात करें तो क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी को देखते हैं, अगर पीसी डिफेंस की बात करते हैं तो सभी टीमें स्मार्ट हो रही हैं, गोलकीपर बिल्कुल स्मार्ट हो रहे हैं, रशर स्मार्ट हो रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो वो सारी चीज़ों को देख के अपना ड्रैग फ्लिक में चेंजेस लाना एंड कुछ नई चीज़ें ऐड करनी, एंड वो स्पीड का भी होता है कि कितनी स्पीड स्पीड भी बिल्कुल मैटर करती स्पीड है, भी बट मैटर आपकी करती एक्यूरेसी बहुत है, ज़्यादा मैटर एक्यूरेसी भी करती इसमें। है, आपकी हाइट कहाँ पे मार रहे हो आप, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर में अगर आप फ्लिक कर रहे हो एंड बॉडी को हिट कर रही है इन बिटवीन, तो वो आपको अगेंस्ट फाउल है, बिल्कुल तो वो भी आपने मैनेज करना है कि किस हाइट पे मारनी है आपने, कि नी से नीचे मारोगे तो एटलीस्ट चांस है कि फर्स्ट प्रेशर को हिट करती है तो रीपीसी है, बिल्कुल अगर ऊपर जा रहे हो तो वो तो चलो ठीक है। बट बहुत सारी टेक्निक्स हैं एंड जिम में काफ़ी डिफरेंट एक्सरसाइज रहती हैं हमारी स्पेशली, क्योंकि ड्राइव फ्लिक में आपका बॉडी बैलेंस, बॉडी स्ट्रेंथ, आपकी सारी बॉडी की पावर कैसे यूज़ करेंगे आप, एंड जैसे मैंने जिक्र किया कि हैवी बॉल के साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि मेरे को वो काफ़ी हेल्प मिलती है इसमें। कितना वजन होता है सभी बॉल का? नॉर्मल बॉल उससे सर डबल होता है, सो एग्जैक्ट वेट नहीं मैं बता पाऊंगा क्योंकि उसे डबल जो हैवी 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 बॉल्स। बॉल का मेजर नहीं किया कभी, बट या क्योंकि डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एंड जैसे मैं जूनियर में भी था तो हमारे कोच थे हरिंदर सिंह हरिंदर सिंह जी, बिल्कुल। वो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करवाई है मेरे को, एंड वो ऐसा करते थे कि हॉकी स्टिक के साथ पीछे इधर लोहे का इतना बड़ा प्लेट होता था अच्छा, उसको हम रैप कर लेते थे, रैप तो करके उसमें, उसके साथ हम प्रैक्टिस करते थे। क्या बात, इसे कहते हैं मेहनत। वाकई ये पता लगता है जो नहीं पता लगा लोगों को कि इस तरह से नहीं टॉप स्कोरर बन गए हरमनप्रीत, 10 गोल दागे हैं भाई ओलंपिक में। और बाकी आपने पीसी कन्वर्जन जो रेट इस बार रहा, हालांकि ज्यादा थे लेकिन ये जरूर रहा कि जब जब मौके जरूरत पड़ी आपने गोल दागा। हरमन आगे बढ़ते हैं, पेरिस की बात करते हैं क्योंकि स्पेशल सभी के लिए है। जर्मनी से जब हम हारे सेमीफाइनल में, उस रात नींद आई थी? नहीं सर, ऐसे बहुत सारे दिन देखे हैं मैंने जब नींद नहीं आती वो टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था, नींद तो छोड़ो बिलीव नहीं हो रहा था कि हमने मैच खेल लिया, हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं यार अभी सो जा कल मैच है फिर से जाएंगे जीतेंगे, ऐसा हो रहा था और बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो। एक तो कप्तान खुद ऊपर से टीम को मोटिवेट करना, जी, और कईयों की आंखों में मैंने आंसू भी देखे, सबके थे सबकी थे, और कहते जाके कमरों में रोए। जी, आई थिंक जो हम हॉकी खेलते आ रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने शो किया है पूरी वर्ल्ड हॉकी को, लोगों को, कि इंडियन टीम केपेबल है, वो किसी भी टीम को हरा रही है एंड इतना अच्छा हॉकी खेल रही है, तो वो क्लोज मैच रहना और हार जाना उस मोमेंट पे बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि तो आपने एक ड्रीम लेके चल रहे हो, आपके गोल्ड मेडल जीतना है हमने, और जब जाने से पहले अगर आप टारगेट लेके जाते हो तो आप मेडल की बात कर रहे हो, आप ऐसा नहीं बोल रहे हो कि मैंने पार्टिसिपेट करना है, नाम के आगे ओलंपियन लगाना है, नहीं आप मेडल की बात कर रहे हो, वो चेंजेस बहुत सारे हैं, वो चीज़ मोटिवेट करती है, पर उस रात बहुत डिफिकल्ट था।
कितने बजे सोए उस रात, या नींद ही नहीं आई? नहीं सर, पता ही नहीं कब सोए और कब उठे, क्योंकि ब्रेक था, नींद भैया आ नहीं रही थी। एंड नेक्स्ट डे भी शेड्यूल जो होता है उसको आप फॉलो करना फॉलो पड़ता है। करना पड़ता तो यस, पर उस समय डिफिकल्ट था, बट आई थिंक मेंटली हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, क्योंकि हमने इस पे बहुत ज़्यादा काम भी किया हुआ है मेंटली। अगर आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आपने ओवर थिंक नहीं करना है कि जो चीज़ निकल गई आप अगर उसको सोचते रहोगे कि आप नेक्स्ट स्टेप अप ले ही नहीं पाओगे। कुछ खास उस मैच के बाद बात हुई आपस में? आपने अपने आप को भी समझाया होगा, एज ए कप्तान है तो इंसान ही इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है, इमोशन होते हैं। आपने अपने आप को भी समझाया, क्या आपने आपसे कहा आपने? देखिए, मेनली मेरी ये थिंकिंग है कि अगर जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। शायद हम वो मैच नहीं जीते हैं, पर हमने लोगों के दिल जीते हैं, हॉकी की रिस्पेक्ट बढ़ी है जैसे हमने खेला है। तो वो सारी चीज़ें मन में भी चल रही थी कि इस बार लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और हमने हम इतने क्लोज से रह गए। बट मन में मेरे ये चल रहा था कि अगर आज का दिन हमारा नहीं था तो एक मैच है और है हमारे पास। अगर हम इसको लेके बैठ गए और उसमें भी परफॉर्म ना कर पाए तो सिंपैथी नहीं लेके जानी हमने कि हमने बहुत अच्छा किया, एटलीस्ट आप मेडल डिजर्व करते हो जितना अच्छा हमने खेला है। तो मेरे मन में था कि अभी लास्ट मैच है, अगर हम जीत के जाएंगे तो हॉकी का जो नाम है हॉकी का सिर ऊंचा रहेगा। तो मेरे मन में यही था कि लास्ट मैच है, अपना मैं 200% करूंगा, जो मेरे को हो मेरे से हो सकता है अपना बेस्ट करूंगा कि ये मेडल हमारा हो। और टीम को आपने खुद फिर समझाया, बात की टीम जब में टीम? सर एक्चुअली ऐसा होता है कि अब आप मैच से आए हो कि सबका एक अपना जोन होता है, तो उस दिन मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा। हमने नेक्स्ट डे प्लेयर मीटिंग की, हमारी नॉर्मल मीटिंग भी हुई है कोचिंग के साथ कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या सर ने ये मिस किया और अच्छा कर सकते थे। बट प्लेयर्स की मीटिंग में जो थॉट्स थे, जो एक जज्बा देखने को मिला सारी टीम में, कि हर हर प्लेयर बात कर रहा था कि यार कुछ भी हो जाए ये मेडल हमारा है। कुछ नाम लेके बताएंगे, जैसे किसी ने कहा कि नहीं पाजी आपा, सभी सभी अच्छा सभी। सब सर्कल में बैठे थे, शुरुआत हुई, बोला कि भाई इतनी दूर आना और मेडल ना लेके जाना हमारे लिए, हम इसलिए नहीं आए थे, हम मेडल की टारगेट के लिए आए थे कि मेडल्स जीत के जाएंगे, गोल्ड नहीं तो ब्रॉन्ज अपना है। तो वो मेंटेलिटी थी, वो जोश था, एंड सभी ने इनिशिएटिव लिया उसमें। तो वो मतलब एक वाइब आ जाती है, आप लोगों एक प्लेयर सामने सामने बैठे हो और आँखों में देख रहे, बात कर रहे हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हो उससे कि हाँ ये क्या चाहता है। यानी कि वो अंदर जज्बा आ गया कि जाना तो मेडल लेके ही है। और वो पल भी याद होंगे आपको, तो खैर याद ही होंगे, हम तो खैर टीवी पर देख रहे थे कि जब लास्ट के वो 2 मिनट और 1.5 मिनट के बीच में स्पेन को लगातार बैक टू बैक पीसी सी सी मिले। से मिल रहे थे सेम की, क्योंकि उन्होंने अपना जो गोलकीपर बाहर कर लिया था एंड उनके पास एडवांटेज भी थी एक्स्ट्रा गोल पर। बट हमें बिलीव था क्योंकि हमारा पीसी डिफेंस थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा है, एंड आई थिंक हमने अच्छा डिफेंस किया उसमें भी। अमित रोहिदास को जब रेड कार्ड मिला और उसके बाद उसके मैच का बैन, वो 2 दिन कैसे गुजरे टीम के ऊपर? एकदम से दबाव आ गया। टीम के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, बट वो प्लेयर के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि वो प्लेयर मेंटली कौन सी स्टेज में है कि वो ओवर थिंक करने लग जाता है कि यार नहीं। हालांकि मेरे को लगता है इंटेंशनली नहीं मारा था उसने, बट वीडियो में ऐसा लगा। तो वो बहुत डिफिकल्ट था कि एक्सेप्ट करना कि एक तो वो स्टार्टिंग फर्स्ट क्वार्टर में भी वो चीज़ हो जाती है बिल्कुल, यार, आप एक प्लेयर कम से आप पूरा मैच निकाल, अब 10 प्लेयर से सारा मैच निकाले मोस्टली। वो बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए। बट वही एक बिलीव है क्योंकि जीबी के साथ हमारी शुरू से ही अच्छा रहा है कि मैच हमने उनके साथ, टफ मैच रहता है और अग्रेसिव मैच रहता है। तो उस समय हर एक प्लेयर बोल रहा था ड्यूरिंग द मैच, बोल रहा था कि यार सर पे लग रही है लगने दो, कहीं पे भी लग रही लगने दो, भाई डी में वाली आनी चाहिए। अच्छा ये बातें हो रही थी उस टाइम अच्छा और ड्यूरिंग द के मैच, ड्यूरिंग द मैच, और सब प्लेयरों की कम्युनिकेशन स्किल्स जो देखने को मिला है। मतलब 10-20 बन गए हैं, ऐसा डबल जोश आ बिल्कुल गया। सर, सच सच बात है, और हर प्लेयर बात कर रहा है क्योंकि हमें पता था कि हमें डिफेंस करनी पड़ेगी भाई, और डिफेंस ऐसा था कि स्टिक लो, आपकी बॉडी बेंड है और लेफ्ट हैंड है जो पूरा ग्राउंड पे लगा के हम घूम रहे हैं सभी और शिफ्टिंग कर रहे हैं कि भाई बॉल नहीं जानी चाहिए, जो मर्जी हो जाए। जो मर्जी हो जाए। जी और वो मैच निकला, उसके बाद जब एक मैच का बैन है तब टीम मीटिंग, और फिर वही हुआ कि यार ये तो एक आपका फर्स्ट रशर है और एक मेन खिलाड़ी चला जाए।
बिल्कुल आई थिंक लॉस होता है क्योंकि वो चीज़ वो उसमें परफेक्ट है वो अपने, क्योंकि फर्स्ट रशर जो है बहुत अच्छा है, उसने बहुत बार टीम को सेव भी किया है। तो पर वो क्वार्टर फाइनल जीने के बाद हमें ये था कि एटलीस्ट हम ग्राउंड पे 11 लोग रहेंगे, दस क्योंकि पहले हम 10 थे तो है टोटल 15 खेले हैं, बट ग्राउंड पे हमने नेक्स्ट मैच में जो 11 खेले हैं। बिल्कुल बट आई थिंक ऐसी स्टेज में आके एक प्लेयर भी कम होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 16 प्लेयर हैं उसमें एक गोलकीपर है, 15 प्लेयर हैं, 15 में से एक और निकल गया, तो तीन चेंजेस है हमारे पास, तो तीन चेंजेस है तो 10 खिलाड़ी हैं फील्ड में, किस किस को आप चेंज करोगे? बिल्कुल तो बहुत डिफिकल्ट था। इसी का नाम ओलंपिक है शायद। अच्छा पूरा ड्यूरिंग टूर्नामेंट अगर बात करें, मैं आऊंगा लास्ट में कि ब्रॉन्ज के बाद क्या हुआ। एक टीम मैनेजमेंट डिसाइड, कई बार हम देखा बड़े टूर्नामेंट करते हैं रिलैक्स रहने के लिए, कुछ आप ये करना है अपने डू एंड डोंट्स होते हैं, क्या करते थे रिलैक्स रहने के लिए? कुछ जोक्स थे या कोई कुछ ऐसी सीरीज या क्या कुछ किया? आई थिंक विलेज में सर बहुत अलग माहौल होता है, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस हर एक स्टेप पे है, कि आपने विलेज देखना है, आपने एक्टिविटी रूम देखना है, आपने जिम जाना है, कौन से जिम है, क्या इक्विपमेंट्स हैं, एंड प्लेइंग एरिया कौन सा है, शॉपिंग एरिया कौन सा है। तो जैसे मैंने बोला कि हमने डिसाइड किया था कि पहले 3 दिन भाई आप लोगों के हैं, आप जाओ एक्सप्लोर करो, सब घूमो देखो, फिरो। डाइनिंग हॉल देखो, जहाँ पे जिसको जो देखना है देखो, जो देखना है हमारे प्लेयरों को बोल दिया था क्या भाई। ठीक तो बिल्कुल सर, जो यंगस्टर्स थे उनको बोल दिया था कि भाई थोड़ा आराम से रहेंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होता है बंदा, नेचुरली बिल्कुल नेचुरल है सर, ये मैं इफेक्ट बोल रहा हूँ। बिल्कुल, तो पहले मतलब 3 दिन, ग्लैमर से दूर हाँ रहना है। जी, ग्लैमर से दूर ग्लैमर रहना से दूर रहना है, विंडो शॉपिंग है। करो विंडो भाई अपने, शॉपिंग तो बोला गया था, बिल्कुल क्योंकि जरूरी है सर। विलेज में आप बहुत सारे एथलीट्स को फेस करते हो, बिल्कुल एंड माहौल डिफरेंट रहता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं आपके सामने से जा रहे हैं, आपको एक्साइटमेंट है, और वॉकिंग डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितने स्टेप ने आपने ले लिए हैं एक दिन में। एंड हाइड्रेट रहना, पानी अपना प्रॉपर, स्लीपिंग, रिकवरी इम्पॉर्टेंट है आपकी, तो बहुत सारी चीज़ें थी कि हमने एज ए टीम बहुत अच्छे से निभाई हैं। एंड पहले 3 दिन सब ने अपना, जैसे मैंने बोला, सोशल मीडिया यूज़ किया है, एक्सप्लोर कर रहे हो आप, शॉपिंग की है, जो करना है कपड़े ले लो, तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट काफ़ी स्ट्रिक्ट थे हम, और अच्छी बात है। तो ड्यूरिंग द मैच भी ये होता है ना कि आपने जैसे मैच हुआ आज, फिर रिलैक्स रहने के लिए कुछ होता है कि अच्छा जोक्स पढ़ ली। आपको पर्सनली क्या पसंद है? सर म्यूज़िक, और हम यूजली जो अपने मैच होते हैं अपने अपने उसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है कि मैच के तुरंत बाद हमें मैच मिल जाता है, एंड उसमें आपकी इंडिविजुअल के लिए आपको सेपरेट मिल जाती हैं कि आपने ओके क्या अच्छा किया है, क्या अच्छा नहीं किया है। तो वो आई थिंक जो टेक्नोलॉजी चल रही है एंड सब चीज़ें हमें प्रोवाइड की जा रही हैं, आई थिंक वो बहुत हेल्प कर रही हैं। गाने मोस्टली पंजाबी सुनते हैं। पंजाबी का जी, पंजाबी कौन सा फेवरेट आपका सिंगर है? सिंगर भाई मैं तो सभी को सुन लेता हूँ, यूजली सिद्धू मूसेवाला जी अपने, अच्छा ओलंपिक पेरिस में सुने आपने गाने? जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा उनके गाने हमें कौन से कुछ खास देख दो गाने? सर, मेरे पास ना उनके सारे गाने एक ही लिस्ट में हैं, ओके तो वो मैं लगा के बस ऐसे बोल और नहीं कोई ऐसा देता। गाना है जो आप बार बार आपका है कि चलो इसके बाद 2-3 सुन ले फिर वही रिपीट करना है? काफ़ी सारे गाने हैं सर, उनका जो लेजेंड गाना है लेजेंड, और 295, दो काफ़ी सौ गाने हैं, पचानवे हाँ जी हाँ जी, बहुत सारे गाने हमारे लास्ट ओलंपिक से जैसा चल रहा है, हम लास्ट ओलंपिक में भी ऐसे ही थे। और टीम जब बस में जाती थी तब कौन सा सॉन्ग था? पिछली बार मुझे लगा मान मान साहब वाला भी सॉन्ग, साहब के चलते हैं जी, बिल्कुल अभी भी अभी भी सर, इस बारे में भी। बिल्कुल सर, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जी, गुरदास मान साहब का गाना टीम बस में चलता था, जिंदा मामला है, वो अभी भी चलता था? बिल्कुल सर बिल्कुल, वो तो बस जाने से पहले सारे हम जयकारा लगे चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो हमारा है कि मैच से पहले जब बस में विलेज से निकलती है तो हम जयकारा लगे निकलते हैं, अच्छा और उसके बाद जब जयकारा खत्म होते हैं दिल का दिल का मामला मामला जब तक आप पहुंचे नहीं और बिल्कुल वापसी से फेल हुए, ये पैठ था। ये भी मेरे ख्याल टोक्यो से लेके पेरिस तक ये बस में मान साहब का गाना दिल का मामला, और वाकई दिल का मामला था, ब्रॉन्ज आपके बिल्कुल दिल के करीब है। हरमन किस तरह से देखते हैं जब वो ब्रॉन्ज मेडल मैच हुआ, लास्ट जो विजल होता है ना 5-4-3-2-1 और खिलाड़ी जमीन पर लेट गए और आंखों में आंसू, वो बयान कीजिए दर्शकों के सामने। सर, बहुत प्राउड मोमेंट होती है वो, ना कि हालांकि हमारे लिए, सारे देश के लिए, क्योंकि इस चीज़ को
ये मुकाम हासिल करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, बिल्कुल, और जब आपको फल मिलता है तो उससे ज़्यादा खुशी आई थिंक होती नहीं है। एंड इमोशनल मोमेंट होती हैं, खुशी की मोमेंट्स होती हैं, क्योंकि आपने कंट्री का नाम ऊंचा किया है। एंड एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट जब ये चीजों को देखते हैं, ये देखिए पदक दिखाइए जरूर, ये है ये चीजों के लिए, बिल्कुल सर, ये चीजों को देखते हैं तो और आता है कि यार अभी और बहुत कुछ करना है जिंदगी में, ये तो कुछ भी नहीं है, शुरुआत हो रही है, ये तो इसके कलर भी चेंज करने हैं सर, उस दौर में भी हम लगे हुए हैं। कलर चेंज करना, उस रात तो सो नहीं होंगे मुझे लगता है। नहीं सर, उस रात वो नहीं सोया था, कोई भी नहीं सोया था, और सभी बातें कर रहे थे, सभी साथ में इकट्ठे भी थे, खूब डांस हुआ वो, बिल्कुल सर। हाँ। और स्पेशली हमें इंडियन फूड मिल गया उस दिन। अच्छा। उस दिन रोटी रोटी साग वगैरह सब, अच्छा, सारा कुछ खाया हमने, उस रात पूरे रात सोए नहीं, ऑर्गेनाइज किया था नीचे, अच्छा, उधर काफी अच्छा था। तो वो थी असली खुशी कि खानली फाइनली हम मेडल लेके वापस, मेडल लेके वापस आए, बहुत बहुत ज्यादा खुशी। अच्छा, उस रात की कोई खास बात बता दीजिए हरमन, अब तो टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, कि ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट आया हो कि सभी हंस भी हो, कोई ऐसा मोमेंट आया हो कि रोना भी आ गया हो, कुछ ऐसा मोमेंट शेयर कीजिए। मोमेंट सर एक्चुअली सबसे बड़ी ये मोमेंट थी कि जैसे मैंने बताया कि विलेज में बहुत माहौल होता है, सारे प्लेयर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के, और जब क्वार्टर फाइनल और जब मेडल के बाद भी हमें आउट ऑफ हॉकी जितने लोग मिले हैं हम बता नहीं सकते आप। अच्छा, वो बंदों ने, उन्होंने एथलीट्स ने आगे हमको अप्रिशिएट किया कि यार जो आपने इस बार हॉकी खेली है अनबिलीवेबल, जिसको हॉकी का पता भी नहीं था, जो हॉकी के गेम में भी नहीं थे। इंडिया के प्लेयर्स की बात करो या दूसरी कंट्री के इंडिया, अच्छा, के भी दूसरी कंट्री के भी, ओके। वो चीज़ हमें बहुत स्पेशल फील हुई कि यार ओके हमने बहुत कुछ अच्छा किया इस बार, तो वो प्राउड थी, वो प्राउड। और इंडियन प्लेयर्स तो नेचुरली विलेज में थे, जो बाकी स्पोर्ट्स को मिलते रहते थे। जी जी बिल्कुल, अपना नीरज भाई अपने और सभी, क्योंकि बिल्डिंग एक होती है, एक ही बिल्डिंग में सारे इंडिया के प्लेयर रहते होते, तो मिलना जुलना सर लगा। तो मैसे मैच से पहले ऑल द विश करना, या बिल्कुल मैच बिल्कुल के बाद मिलना। हाँ जी, किसी खास प्लेयर ने खास कुछ कहा हो? नहीं बिल्कुल, आई थिंक यूजली हम नीरज भाई हम खुद आ जाता था भाई, अच्छा, कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, खींच के रखो। हाँ, तो उनको भी सरपंच साहब कहा जाता था, याद है? तो मतलब हम भी ऐसा ही था कि हम सेम, हमारी वर्डिंग होती है कि हाँ भाई आप पे बहुत सारा बिलीव है, और हमें भी पता कि आप अच्छा करोगे, तो अच्छी बात है सर, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक आपकी फोटो देखी थी मैंने हरमन, कि आपकी बेटी रूहान जीत के गले मेडल आपने पकड़ाया हुआ है, और वो फोटो देखकर मुझे लगा कि इस बेटी को अभी शायद एहसास नहीं कि उनके पिता, उनके सरपंच साहब ने, शायद जब बड़ी होगी, कितना एक वो बड़ा मोमेंट था कि। बिल्कुल सर, एक फादर के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है कि क्योंकि मेरे वाइफ भी उधर थे और बेटी, तो उनके सामने खेलना और मेडल जीतना, एंड मेडल के बाद मैं, क्योंकि अलाउड नहीं होता भाई को, बट मैं रूहानत को उठाया, मैं ग्राउंड में ले गया, अच्छा, मैं वहां पे छोड़ दिया, और मेरे आंखों में पानी भी था कि हाँ ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जब ये बड़ी होगी तो इसको पता चलेगा कि हाँ इसकी फर्स्ट ओलंपिक थी और हमने मेडल जीता है, और ये विटनेस थी वहाँ पे। वो बहुत स्पेशल मोमेंट थी मेरे लिए। जब फ्लाइट में वापस आ रहे थे तब क्या सुकून था और क्या अंदर चल रहा था कि लैंड करेंगे भारत की धरती पर, और क्या मैंने, बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमने किया हुआ है कि लास्ट टाइम भी, और दिल्ली हम आए हैं और क्या बात है, पूरे ढोल वगैरह चल रहे हैं और लोग आए थे काफी सारे हमारे लिए, और बहुत अच्छी स्पेशल लगता है क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो हॉकी को, और देश के लोग आपको आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है सर। एक सवाल और जहन में आता है आपसे, तो बात करने का सिलसिला खत्म मुझे कर रहा है कि करते जाऊं, आप हालांकि थके हुए हैं, नींद में भी हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि हम जैसे ग्राउंड में जाते हैं तो पहले राइट पैर आगे रखना या राइट शूज आप या कुछ ऐसा होता है? नहीं जी, अपने ग्राउंड मथा टेक के तौर पे, अच्छा, ऊपर वाले का नाम लेके ग्राउंड का मथा, और उसकी रिस्पेक्ट पहले है जी। वहीं या स्टिक कुछ ऐसी कि अपने स्टिक में कुछ रखते हैं, या ये कलर की स्टिक है इस पे कुछ टेप करना, या टी शर्ट, मैंने कई प्लेयरों से सुना है। नहीं सर, मेरा ज्यादा ये मोटिव नहीं रहता है, एंड मेरा ये होता है कि मैच से पहले मैं यूजली हर दिन मैं प्रेयर करता हूँ, अपना पाठ करता हूँ, तो हर मैच से पहले मैं पाठ करता हूँ, और ग्राउंड से जाने से पहले ग्राउंड को चूम कर माथा टेक कर ग्राउंड में चला जाता हूँ। आपकी टीम में सबसे मजाकिया प्लेयर कौन है या सबसे पंगेबाज कौन है? पंगेबाज
पंगेबाज बहुत हैं सर, और अपने जो फ्रंट फुट रख के भी चलते हैं और पीछे भी छुपे छुपे भी चलते हैं। कौन है जरा बता दीजिए। नहीं, श्री भाई हैं सबसे पहले। अच्छा, हाँ, वो तो बच्चे ही अभी, और टीम में हमारे यहाँ मनदीप है और सुमित है, मानप्रीत है, और काफी और भी प्लेयर हैं अभी जो नए लड़के भी आए हैं। संजय हो गया, संजय चंडीगढ़ जी, जी संजय गांधी, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। कई ऐसे भी हैं कि सिचुएशन एकदम टेंस है लेकिन आके कुछ ऐसा सुना दिया जो कर एक पूरा माहौल ही बदल देते हैं। वो तो सर मतलब मैं भी हूँ सर। अच्छा। ज्यादा सीरियस हो रहा तो थोड़ा माहौल ठंडा कर लेते हैं। अच्छा, कुछ सुनाया था जो कैसा? नहीं, जोक नहीं सर, अपने पंजाब में जो चलते हैं जो, मैं समझ गया। बट बहुत जरूरी होता है। कुछ नहीं हुआ, चलो 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 चलो। अच्छा, इस पूरे टूर्नामेंट में कुछ ऐसे आपने नोट किया कि यार अब टीम में होता है कि टेंस हो गया कि हरमन नहीं यार तू जाके थोड़ा, मतलब एक तो ना चलो चलो ठीक है, एक होता है क्या हुआ क्या, एक होता है ना कि की गल हो गई यार उठो जरा, पंजाबी स्टाइल में कुछ बोला कभी, या कभी गुस्सा भी आया आपको यार की कर रहे तुसी, एक होता है ना जैसे डांटना प्यार से। बिल्कुल बिल्कुल, मैच में सर हीट मूवमेंट रहती है और आई थिंक इतने प्लेयर हम इतने एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कोई बोलता है तो आपको रिप्लाई नहीं करता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे को भी कोई बोल रहा है वो गेम की मूवमेंट है, मेरी भलाई के लिए बोल रहा होगा तो वो सुनते हैं सबको। तो ज्यादा डांट सबको लगाई है सर? लग जाती है सर। क्या करें, जरूरी भी है सर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपना है थोड़ा सा इंडियन का कि यार एक किस्सा तो सुनाना, बिना डंडे तो नहीं एक सुनाना पड़ेगा। नहीं सर, मैं ज्यादा काम रहता हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ मोमेंट्री जैसे आपने बोला ड्यूरिंग मैच, कि आप जितना काम रहोगे जितना फोकस रहोगे क्योंकि आपने सब कुछ देखना है। ऐसा कभी हुआ किसी को डांट लगा दी फिर जब्बी तो पानी पड़ जाएगी? हाँ बहुत बहुत, वो मैं पहले ही कर लेना। बुरा ना मान जाए, पर सबको पता है कि हाँ यार कोई भी किसी को बोल रहा है कि टीम की भलाई के लिए बोल रहा है। अरमन, अब रंग बदलना आपने बात कही है, अब 2028 की बात होने लगी, अभी से प्लानिंग शुरू हो जाती है, आगे टूर्नामेंट्स भी हैं, कहाँ देखते हैं अब इंडियन हॉकी को आप, कि लगातार दो ब्रॉन्ज, कम से कम ये तो आ गया कि इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक में पोडियम फिनिश कर रही है, लेकिन वो जो सुनहरी दौर था क्योंकि ओलंपिक में जितने मेडल हैं उसमें से मोस्टली हमारे मेडल हॉकी के रहे हैं, तो अब आपको कहाँ देखते हैं एज ए कैप्टन भी आपने, क्योंकि आपकी अगर जर्नी देखें तो जितने आपने टूर्नामेंट्स खेले, चाहे एशियन गेम्स की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी, तमाम मेडल जरूर है, तो ओलंपिक का मेडल का रंग बदलने को आप कैसे देखते हैं, कितना इसमें आपको लग रहा है कि क्या और होना चाहिए? आई थिंक पहले तो जैसे हमने बोला था कि टीम का माइंडसेट ये नहीं है कि हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, अगर हम बैक टू बैक मेडल जीत रहे हैं तो और क्षमता है, क्योंकि पहले मेडल की बात होती है और हम मेडल जीतेंगे, अब ये बात हो रही है कि भाई गोल्ड मेडल जीतना है, तो आई थिंक मेंटेलिटी और टीम का कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा है हॉकी का, एंड जितने भी प्लेयर आ रहे हैं सभी स्मार्ट हैं, अच्छे प्लेयर हैं, एंड काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं हमारे प्लेयर हैं जो टीम के साथ है, क्योंकि इस टीम में 5 नए थे, बाकी सभी हम जो सबने लास्ट ओलंपिक में थे जो, और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है टीम को कि एक्सपीरियंस प्लेयर रहते हैं टीम में, तो बिल्कुल। और जो हमारा पूरा स्क्वाड है और आई थिंक एज ए टीम हम अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, तो और भी करेंगे सर, क्योंकि हमें पता है अगर हमने कलर चेंज करना है तो ये आसान नहीं है। क्रिकेट से कंपैरिजन में अगर बात करूं कि अभी भी आपको लगता है कि जब वर्ल्ड कप जीती है तो एक क्रिकेट को जिस तरह से किया जाता है ओपन बस में उनको ले आया गया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कई बार प्लेयर के मन में होता है लेकिन कह नहीं पाता, आपको क्या लगता है कि वो अभी हॉकी टीम के साथ स्टेज है, हाँ पहले से ज्यादा रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई है? नहीं, पहले से ज्यादा तो मिलनी शुरू जरूर हुई है। हम भी बात कर रहे थे कि यार गोल्ड आता तो शायद हमारे साथ भी हो जाता। अच्छा, पर नहीं है सर, आई थिंक मेडल मेडल है, और काफ़ी लोग, अगर कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं, पर लोगों ने इस बार जो प्यार दिया है वो उनका दिल से मेरा धन्यवाद है उनको कि आपने हॉकी को इतना प्यार दिया और हॉकी को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। बट ठीक है सर, वो दिन पे भी मजबूर करेंगे, अगर हमारी मेहनत हम ऐसे ही करते हैं तो लोग भी आएंगे, सब कुछ होगा सर, वाहेगुरु की कृपा। क्या कहना चाहेंगे फैंस को? फैंस को यही रिक्वेस्ट है, मैंने तो सर उधर ग्राउंड में भी बोला है कि हॉकी ऐसी गेम है जिसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी रही है सर, हॉकी ने बहुत कुछ दिया है, और लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सबको प्यार करो यार। सिंपल सी बात है, जो लड़का जो इंसान जो लड़की इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है आप उसको उसकी सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, ऐसा नहीं कोई एक गेम की है, सबको सबको एक बार ये मैं पदक हाथ में लेकर देखना चाहूंगा, और इसकी जो फीलिंग है हरमन, वाकई इसको हासिल करने के लिए
प्लेयर का खून पसीना मेहनत और वो जो तिरंगा जब लहराता है तब पता चलता है। एक बार मैं कहूंगा गले में डालकर जरा, बिल्कुल सर, और ये शान आपकी बनी रहे, बिल्कुल सर, ये मेडल जब गले में डला और वाकई ये है शान तिरंगे की। ऐसे ही रहते हैं फिर आगे देखा नहीं जाता सर, ऐसे ही देखते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और उम्मीद है कि कलर बदलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इस खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।